आजम खान का आरपीएस और समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय प्रशासन ने सील कर दिया कब्जे में। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान परिवार सहित इन दिनों अलग अलग जेल में कैद है। उसके बावजूद भी आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल पर आज आजम खान के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय दारुल अवाम को जिला प्रशासन ने खाली कर उसे सील कर अपने कब्जे में लिया। आपको बता दें, आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल, जिसको आजम खान ने 100 रुपये सालाना की दर पर 30 साल के लिए लीज पर लिया था, आजम खान की उस लीज को योगी कैबिनेट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई। 2 नवंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर एक नोटिस चस्पक किया गया था और 7 दिन की मोहलत दी गई थी। नोटिस की मोहलत कल यानी 9 नवंबर को समाप्त हो गई और आज जिला प्रशासन ने आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल और आजम खान के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को खाली कर लिया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अपर पुलिस अधीक्षक और सुरक्षा के लिए कई थानों के थानाध्यक्ष और पुलिस कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल भारी तादाद में मौजूद थे। आपको बता दें, आजम खान का जो समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय है, ये रामपुर पब्लिक स्कूल की जगह में ही बना हुआ था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने रामपुर पब्लिक स्कूल के साथ साथ आजम खान का जिला कार्यालय दारुल अवाम को भी खाली कर सीज कर अपनी कार्रवाई की और अपने कब्जे में लिया। पीछे वाले पीछे जाओ, जाओ जाओ। तीस साल की लीज हुई थी 41,181 वर्ग फुट पर, वो लीज निरस्त हो गई है, तो शिक्षा विभाग का था तो उनको उन्होंने कब्जे में लिया गया। इसमें तहसील प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन संयुक्त टीम से फेमाइज की गई थी, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 41,181 वर्ग फुट में समाजवादी कार्यालय व ये जो है स्कूल स्थित है। तो आसिम राजा का कहना है कि ये जगह जो है वो यहाँ से हटी हुई है और वो पेपर देखिए, हमारे पास संयुक्त टीम की पैमाइश है और उसकी रिपोर्ट है, तो अब हम तो जो है जो स्पष्ट दोनों टीमें हैं, जो नगर पालिका की और तहसील की, उन्हें स्पष्ट रूप से लिखित किया है। सर, कब्जे में ले लिए दोनों इमारतें? सर, दोनों इमारतें सीज हो गई हैं आज जी।